हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह नागमणि को लेकर वहां से गायब हो जाती है। हे नागिन, बाहर निकल। घने जंगलों के अंदर एक गुफा में एक इच्छाधारी नागिन रहती थी। वह इच्छाधारी नागिन गर्भवती थी। वहीं उन्हीं जंगलों में एक सिरकटा इंसान भी रहता था। वह सिरकटा इंसान इच्छाधारी नागिन से वह नागमणि लेना चाहता था ताकि वो अपना कटा हुआ सिर जोड़ सके। एक दिन वह इच्छाधारी नागिन की गुफा के पास जाता है और बोलता है, हे नागिन बाहर निकल, आज मैं तुझसे वो नागमणि लेकर रहूंगा, कहाँ छुपी है तू? सिरकटे इंसान की आवाज सुनकर नागिन बहुत घबरा जाती है। उसे अपने बच्चे की चिंता होने लगती है। वह नागमणि को लेकर वहां से गायब हो जाती है। सिरकटा इंसान ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, कब तक भागेगी नागिन मुझसे? एक दिन मैं तुझे पकड़ लूंगा और वो नागमणि छीन लूंगा। मैं वो नागमणि तुझसे लेकर ही रहूंगा। उधर गांव में चंटू बंटू नाम के दो बच्चे रहते थे। वो अपने स्कूल से घर आ रहे थे, तभी वो देखते हैं एक सिरकटा आदमी घोड़े पर बैठकर हाथ में कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ दौड़ा चला आ रहा है। वह जोर जोर से बोलता है, सुनो पिल्लो, मुझे बताओ वो इच्छाधारी नागिन कहाँ है? अगर नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें यहीं काटकर फेंक दूंगा। चंटू बंटू घबरा जाते हैं और बोलते हैं, हमें नहीं पता तुम किसकी बात कर रहे हो, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते कि वो इच्छाधारी नागिन कहाँ है। वहीं पास में एक सपेरा उसकी ये बात सुन रहा होता है। सिरकटा इंसान उन दोनों बच्चों को मारने ही वाला होता है, तभी वह बोलता है, अरे भाई, इन पिल्लों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा, इन्हें छोड़ दो। तभी वो अपने झोले में से एक बीन निकालता है और बोलता है, यह एक शक्तिशाली बीन है, मैं इस बीन को बजाऊंगा और वो इच्छाधारी नागिन इस संसार में कहीं पर भी हो, वो अपने आप खींची चली आएगी। अरे वाह, ये तो बवाल चीज है। ए सपेरे, चलो अपनी बीन बजाओ और जल्दी से उस इच्छाधारी नागिन को बुलाओ। परंतु उसके लिए पहले हमें एक हवन करना होगा। ये कहकर दोनों गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। सपेरा और सिरकटा इंसान एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। सपेरा हवन शुरू कर देता है और सिरकटे इंसान को उस हवन के पास बैठा देता है। फिर सपेरा बीन बजानी शुरू कर देता है। उधर इच्छाधारी नागिन उसी गांव में इंसानी रूप में रह रही होती है। जब वो बीन की आवाज़ सुनती है तो वह अपने असली रूप में आ जाती है और बीन की आवाज़ से मंत्रमुग्ध होकर सपेरे की तरफ खींची चली जाती है। जल्दी ही वह सपेरे के पास पहुंच जाती है। सिरकटा इंसान बोलता है, वाह रे सपेरे, तूने तो मौज कर दी, आज मैं इससे नागमणि लेकर अपना सिर वापस जोड़ पाऊंगा। नहीं नहीं, वो नागमणि मैं लूंगा, मैं उस नागमणि को पाकर अमर हो जाऊंगा और पूरे नागलोक पर राज करूंगा। राज? नागमणि तो मेरी है, वो तो मैं ही लूंगा। नहीं नहीं, नागमणि तो मैं ही लूंगा। दोनों में बहस हो जाती है। थोड़ी देर में दोनों लड़ने लगते हैं। सपेरे के हाथ से बीन छूटकर हवन की अग्नि में गिर जाती है। जैसे ही बीन हवन की अग्नि में गिरती है, इच्छाधारी नागिन का सम्मोहन टूट जाता है और वो मुक्त हो जाती है। फिर इच्छाधारी नागिन नागराज को याद करती है। तभी वहाँ नागराज प्रकट हो जाते हैं और नागराज इच्छाधारी नागिन को बोलते हैं, हे नागिन, तुमने मुझे क्यों याद किया? इच्छाधारी नागिन नागराज को सारी बात बता देती है कि किस तरह सिरकटे आदमी और सपेरे ने उसे कैद कर लिया था। उसकी ये बातें सुनकर नागराज क्रोध में आ जाते हैं और नागराज बोलते हैं, हे दुष्टो, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुमने इच्छाधारी नागिन को कैद किया? तुम इंसानों का लालच कभी खत्म नहीं होगा, आज मैं तुम दोनों की जीवन लीला यहीं समाप्त कर दूंगा। यह कहकर नागराज अपनी शक्तियों का वार उन दोनों पर करते हैं। शक्तियाँ लगते ही वो दोनों वहीं भस्म हो जाते हैं। इच्छाधारी नागिन नागराज का धन्यवाद करती है और फिर अपनी गुफा में लौट जाती है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।